आज हम बात करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 की, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ज़रूरत है कि भाई लास्ट एक्सरसाइज में हमें पता लगा लिया था भाई हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स है उसमें साइन को सिकेंड को सिकेंड टेन कोट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स शामिल होती है और जी, बट अब इसके अंदर क्या है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के पीछे जो एंगल होता ना ABCD लगा होता था, अब और भी कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे काउंटिंग आ गया जैसे साइन 60 डिग्री साइन कोस 30 डिग्री, तो डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमें साइन में 30 कितना है कोज में 60 कितना है, तो सबसे पहले तो हमें ये टेबल का पता होना चाहिए कि भाई हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को कवर कर पाएंगे। देखो पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स का एंगल का ही खेल है, तो सबसे पहले हम ये टेबल को समझेंगे उसके बाद हम 8.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं टेबल को स्टार्ट कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ठीक है और 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री और इधर से फिर हम सबसे पहले लिखेंगे साइन, बट वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू बनेगी साइन के एंगल में वो क्या बनेगी, तो उसके लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 तक हम काउंटिंग राइट करेंगे। लास्ट में 4 आया है तो 4 से ही सारों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सभी के ऊपर हम रूट राइट कर देंगे, ये हमने सभी को रूट में पैक कर दिया है, जो कैंसिल होता है जो कट सकता है उसको काट दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसको आगे करने से पहले पता होना चाहिए कि रूट 4 को 2 बोलते हैं, रूट 1 को 1 ही बोलेंगे और रूट 2 को रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 रहेगा, उनको चेंज नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ठीक है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1 डिवाइड में 2 आ गया। यहाँ 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट नहीं, वैसे तो 1.41 होता है बट वो यहाँ पे यूज नहीं करना, यहाँ पे टेबल है तो ऐसे कैसे चलेगा। रूट 3 रहेगा, वैसे रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है बट ऐसा कैसा ही, और रूट 4 को आप 2 बोलेंगे तो रूट 3 डिवाइड में 2 आ गया और यहाँ पे 1/1 आ गया, रूट 1 को 1 ही बोलते हैं। तो ये जो निकल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स का पहला पॉइंट आपका साइन ए थीटा जो भी आप लगाना चाहें आप लिख सकते हैं। तो हमने इसी के साथ फर्स्ट लाइन जो हमारी साइन की है वो निकल गई। अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री तो कितना है, 0 ही रहेगा ठीक है। साइन 30 डिग्री 1 डिवाइड में 2 रहेगा। साइन 45 डिग्री 1 डिवाइड में रूट 2 रहेगा। साइन 60 डिग्री रूट 3 डिवाइड में 2 रहेगा। साइन 90 डिग्री 1 ठीक है। तो इस तरह से हमने साइन का पता लगाया। उसके बाद हम सेकंड लाइन कोज का पता लगाएंगे। तो कोज क्या है, जो ये इधर से क्रम चल रहा है उस क्रम को हम अपोज करके लिखेंगे, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में, जो लास्ट फर्स्ट में आ गया वो लास्ट में। तो इस तरह से हमने इस लाइन को अपोज कर दिया, तो इस तरह से ये हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो भी हमारी निकल के आ गई है ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारा तीसरा पॉइंट है जो वो है 10। क्या है भाई 10, वैसे तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइड में कोज, बट आपको अभी फॉर्मूले तो बिना याद करे करना पड़ रहा है सारा काम, तो आप क्या कर सकते हो फर्स्ट लाइन डिवाइड में सेकंड लाइन बोल के थर्ड लाइन फाइंड कर लेंगे। तो इस करने से पहले एक बात समझ लीजिए, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो 0 ही कहलाएगा, पर 0 अगर किसी के डिवाइड में हो तो वह इनफिनिटिव एनडी नॉट डिफाइंड कहलाएगा, इस बात का अपरिभाषी हिंदी में बोलते हैं रहेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है 0 डिवाइड में 1 है तो 0 लिखेंगे, 1 डिवाइड में 2 के डिवाइड में रूट 3 डिवाइड में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 1 डिवाइड में रूट 3 बच जाएगा, ये सारे के डिवाइड में सारा एक जैसा है कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद रूट 3 डिवाइड में 1 बचेगा, तो डिवाइड में 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 डिवाइड में 0 करेंगे तो डिवाइड में 0 आने की वजह से वो इनफिनिटिव एनडी नॉट डिफाइंड बन जाएगा, हिंदी में अपरिभाषित आप इसको बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो थर्ड लाइन है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं डायरेक्ट आपकी लास्ट लाइन मतलब कि जो कोट होती है वो अभी फोर्थ नंबर पे ही निकाल रहा हूँ। तो कोट हम कैसे निकालेंगे, जो इस लाइन का अपोज है उसको हम लिखते हुए इसको निकाल देंगे। कैसे, लास्ट वाले को फर्स्ट नंबर पे, लास्ट वाले को फर्स्ट नंबर पे, लास्ट वाले को फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वालों को लास्ट नंबर पे, इस लाइन को अपोज करके ऐसे लिख देंगे। तो इसी के साथ कोट हमारा निकल चुका है। फिर उसके बाद हम सिकेंट और कोसिकेंट भी निकालेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं कोसिकेंट ठीक है। तो कोसिकेंट कैसे निकलेगा, कोसिकेंट का फार्मूला होता है 1 डिवाइड में साइन ठीक है। 1 डिवाइड में साइन का मतलब है 1 डिवाइड में फर्स्ट लाइन, तो 1 डिवाइड में फर्स्ट लाइन का मतलब है 1 डिवाइड में 0 तो नॉट डिफाइंड,
वन डिवाइड में ये पलट के उल्टा हो जाएगा तो टू डिवाइड में वन आ जाएगा, मीन्स टू बोलेंगे इसको। और वन डिवाइड में रूट टू को पलट के लिखेंगे तो रूट टू डिवाइड में वन हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे टू डिवाइड में रूट थ्री रहेगा, वन डिवाइड में वन वन ही होता है। इसी के साथ आपका ये कोसिकेंट फाइंड हो गया। अब लास्ट आपका बचा है सिकेंट। तो सिकेंट इस लाइन को क्या कर देंगे आप, जो सीधे क्रम में चल रहा था उसको उल्टे क्रम में कर देंगे, या दूसरा भी केस है वो अप्लाई आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही लिख दीजिए, जो फर्स्ट है वो लास्ट, जो फर्स्ट है वो लास्ट। तो इस तरह से आपने अपनी छः की छः जो त्रिकोणमिति हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्के जो हमारी सिक्स हैं, इनकी वैल्यू को आपने निकाल लिया है। इसके बेस पर फिर आप क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ से देख के वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिसका भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ से एंगल चेक करो और वो देखो उसके सीध में आओ ऐसे, और वहाँ से उठा के उसको वैल्यू में पुट कर देना है और क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाना है। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज, देखिएगा। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम स्टार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर वन करने वाले हैं। तो वन के अंदर हमारे यहाँ पे फाइव पार्ट्स इसमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इसमें से पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि थोड़ी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो आसान होगा उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो मुश्किल होगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी के साथ मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। राइट करने के बाद अब क्या बोलता है वो, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई है यहाँ बीच में, कोस 30 डिग्री, फिर प्लस है साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई है यहाँ पे कोस 60 डिग्री। अब ये वैल्यू देख लो आप जाके अभी जो हमने टेबल बनाई है और इसको पुट कर दीजिए। तो साइन 60 डिग्री क्या है भाई, रूट थ्री डिवाइड में टू है, इंटू कोस 30 डिग्री भी रूट थ्री डिवाइड में टू है, प्लस साइन 30 डिग्री वन डिवाइड में टू है, कोस 60 डिग्री भी वन डिवाइड में टू है। तो मेरे को याद है, मैंने इसलिए डायरेक्ट फटाफट लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री फुल थ्री हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, वन वन जा वन होगा, टू टू जा फोर होगा। एलसीएम लेंगे फोर आ जाएगा, थ्री प्लस वन फोर डिवाइड एंड फोर कैंसिल करेंगे तो आपका वन क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन वन का वन पार्ट करना था। अगर बात करें हम इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड में क्या है कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू देखेंगे आप वन होती है, और टेन का स्क्वेयर है तो वन का भी स्क्वेयर हो जाएगा, और टू मल्टीप्लाई है तो बाद में टू से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। कोज स्केयर 30 है यहाँ पे, तो कोज 30 की वैल्यू तो हमने यहाँ लगाई थी ना, देखो यार रूट थ्री डिवाइड में टू, तो स्केयर है तो रूट थ्री डिवाइड में टू का भी स्केयर हो जाएगा, मतलब थ्री डिवाइड में फोर आ जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस साइन स्केयर 60, तो साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री डिवाइड में टू है तो इसका भी स्केयर हो जाएगा, थ्री डिवाइड में फोर आ जाएगा, वो कैंसिल होने के बाद टू आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आप अपने आप करेंगे। तो अब इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने थर्ड पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया है, कोस 45 डिग्री के डिवाइड में है सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, तो कोसिकेंट सॉरी 30 डिग्री ये मैंने नोट कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू जाके टेबल में देख लीजिए। तो कोज जो 45 डिग्री है उसकी वैल्यू है वन डिवाइड में रूट टू, ठीक है, और इसी के साथ सिकेंट जो 30 डिग्री होगा उसकी वैल्यू देख लीजिए आप क्या है, टू डिवाइड में रूट थ्री। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू भी जाके देख लीजिए क्या है, तो टू होती है। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यू फटाफट पुट कर ली है। पुट करने के बाद ऊपर वैल्यू है जो वो ऐसे कैसे रहेगी, और नीचे वाली वैल्यू का आप पहले एलसीएम कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद उनको उल्टा पलटी करेंगे। तो आगे का प्रोग्राम यहाँ देखिएगा, तो वन डिवाइड में रूट टू के डिवाइड में है यहाँ पे, कॉपी ऊपर कर ली मैंने थोड़ा, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो रूट थ्री आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो वन टू जा टू, और रूट थ्री के जब टू से करेंगे तो सिक्स नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा भाई, ऐसा कैसा टू रूट थ्री होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इक्वल का सैम्बल भी इस लाइन के बीच सीधो सीध डालना है, ना कि इधर ना कि उधर, क्योंकि तीन बार डिवाइड है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये कैसे रहेगा, वन डिवाइड में रूट टू मल्टीप्लाई ये सबसे ऊपर आ जाएगा रूट थ्री, और ये नीचे जैसा था वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पता चल चुका होगा कैसे करना था। अब उसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करना है रूट थ्री। तो ये ऐसा का ऐसा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट टू बनेगा, ना कि टू टू जा फोर करें आप, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे टू टू जा फोर नहीं होगा, बल्कि रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री टू जा सिक्स, मतलब टू रूट सिक्स आप लिखेंगे। और इस बात को भी आप माइंड में डाल लीजिए कि जब जब डिवाइड में रूट होगा तब तब आपको रैशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना होता है, तो करना पड़ेगा। और हर का परिमेयकरण करते टाइम क्या होता है कि जो इनके नीचे सैम्बल होते हैं ये बीच में इनके प्लस है तो माइनस लिखते हैं साथ में लगा के, और प्लस होता माइनस और माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा के लिखेंगे एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ऐसे देखिएगा हो रहा है रैशनलाइजेशन,
तो टू रूट सिक्स, यहाँ पे टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, ये एक जैसा ही लिखना होता है, बट इसकी वजह से निशान बदलता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस प्लस, इस बात को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू पहले इसको आप इससे करेंगे, फिर इसको इससे भी करेंगे। ध्यान रहे रूट में तो रूट वालों से ही मल्टीप्लाई होगा, बाहर वालों से नहीं होगा, तो बाहर वाले तो ऐसे रहेंगे। तो ये आ जाएगा रूट सिक्स, फिर यहाँ पे करेंगे तो टू रूट सिक्स थ्री जा एटीन, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है फार्मूला, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स ये तो आपका ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा टू रूट टू का स्क्वेयर माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वेयर। इसको हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेके, तो यहाँ पे देखा जाए तो टू दोनों में कॉमन है, तो टू को आप कॉमन ले सकते हैं, और साथ साथ एटीन है जो उस 18 के आप टुकड़े बना लीजिए। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 18 के टुकड़े, 2 से 9 है, 3 से 3 3 1, तो 3 रूट 2 भी इसको बोल सकते हैं। तो या तो आप एक स्टेप और चलाइए या फिर आप 2 कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करेंगे जिससे आपको और बेस्ट आसान क्वेश्चन मिले। तो 18 को हम क्या लिख रहे हैं, 3 रूट 2, ठीक है, और हमने कुछ चेंज नहीं किया है। 2 का स्क्वेयर 4 होता है और रूट 2 का फुल 2 होता है, तो 4 टू जा 8 और 2 टू जा 4 6 जा 24। ये होने के बाद अब हम ये स्टेप आगे यहाँ चला रहे हैं लेके, इसमें अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 6 कर देंगे इसको, 3 टू जा 6, और यहाँ पे 8 में से 24 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, बोलो बोलो, 16 माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये 16 है माइनस का, या तो ये माइनस अंदर पहुंचा दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड में कर लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार आप जो मर्जी चाहें कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग डिवाइड में करेंगे जिससे कि माइनस प्लस अंदर ले जाने वाली टेंशन ही आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो किस तरह से होगा यही समझना आपको बस। तो यहाँ पर मैं 6 रूट 2 डिवाइड में माइनस 16 अलग कर दिया है, तो ये माइनस में इसके साथ रख रहा हूँ, यहाँ प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा क्या होने वाला है, तो 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ भी 8 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कट भी हो जाएगा। तो जो ये वाला माइनस है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस रह जाएगा, तो ये प्लस वाला हम पहले लिखेंगे, ध्यान से देखना स्टेप। तो ये बोलेंगे 3 रूट 2 पहले और रूट 6 बाद में माइनस लगा के, और दोनों के डिवाइड में 8 एक ही बार राइट कर लेंगे, और बस हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, डैट्स ऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में जो भी क्वेश्चन है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, बस इनकी वैल्यू टेबल से जाके पुट कर दो और एलसीएम लो और आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, स्क्वेयर है तो वैल्यू का साथ साथ स्क्वेयर भी करो, कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसको मल्टीप्लाई भी जरूर करो, बस इस तरह से ही आप कर सकते हो क्वेश्चन। बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट में आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, तो देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कैसे करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे बस, और तो क्या था। करते हैं स्टार्ट वैल्यू पुट करना, आप टेबल में देख सकते हैं जाके, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आपके पास जो है वो लिख दीजिए, 1 डिवाइड में 2 है। 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू 1 है, और कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2 डिवाइड में रूट 3 है, ठीक है। डिवाइड में किसी कुछ नहीं होता तो 1 लगा लीजिए, एलसीएम लेने में हेल्प रहेगी। फिर इसी तरह यहाँ पे सेकेंड 30 की वैल्यू 2 डिवाइड में रूट 3, कोज 60 की वैल्यू 1 डिवाइड में 2, और कोट 45 वैल्यू 1। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यू 6 की 6 टेबल की हेल्प से या अपने माइंड से या जैसे भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से करके इसको पुट कर लिया है। अब ऊपर वाली कंडीशन का अलग एलसीएम लीजिए, नीचे वाली कंडीशन का अलग एलसीएम लीजिए, जब ऊपर नीचे सब एलसीएम हो जाए उसके बाद पलट के जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखिएगा एलसीएम ऊपर वाली का क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है ऊपर वाली कंडीशन का 2√3, ऊपर वाली कंडीशन का एलसीएम आया है, तो 2 को 2 से कट करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे √3 आएगा। 1 को इस सारे से डिवाइड करेंगे सारा आएगा, सारे के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे रूट थ्री से रूट थ्री को डिवाइड करने पर टू बचेगा, टू इंटू टू फोर आ जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा भाई। यहाँ पे इक्वल लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एलसीएम बहुत सारे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री। तो रूट थ्री कैंसिल करने पर टू, टू इंटू टू फोर आ गया। टू से टू कैंसिल होने पर रूट थ्री की वन से करेंगे तो रूट थ्री आ गया, और जी वन को करेंगे तो सारा का सारा आ गया। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो एक जैसे क्वालिटी के, जैसे ये और ये एक जैसा है, तो इसके लिखेंगे ये और ये कैंसिल कर लो सबसे पहले, तो आसान करो क्वेश्चन को। तो ये वन रूट थ्री है, ये टू रूट थ्री है, तो ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री और माइनस फोर ऐसा का ऐसा। सेम यहाँ पे भी ऐसे है, टू और वन थ्री रूट थ्री और फोर, ये प्लस डाल के लिख देंगे आप, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जब ऊपर नीचे रूट की कंडीशन आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन होगा भाई, तो ध्यान रहे प्लस है तो माइनस माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस प्लस लगाएंगे। तो कर दीजिए स्टार्ट रैशनलाइजेशन, थ्री रूट थ्री माइनस फोर और थ्री रूट थ्री माइनस फोर हो गया। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद आप करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जब एक जैसों की मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वेयर आता है, जब अलग अलग साइन वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग अलग स्क्वेयर आ जाता है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और यहाँ पे दोनों के ऊपर माइनस है दोनों के अंदर, तो दोनों का एक ही बार आप होल स्क्वेयर लगा लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बचा हुआ थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वेयर रहेगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टेप चल रहा है भाई ये। तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करते तो इसको इससे इसको इससे फोर टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता और कैलकुलेट करना पड़ता, टाइम लगता, यहाँ टाइम नहीं लगेगा आपको इतना। तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहाँ आएगा रूट थ्री का, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह आएगा थ्री रूट थ्री और बी की जगह आएगा फोर, ठीक है। और डिवाइड में थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन रूट थ्री का फुल थ्री, तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फोर का सिक्सटीन और फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू जा ट्वेंटी फोर रूट थ्री, समझ आ रहा होगा शायद। और 27 में से 16 लेस करेंगे तो 11 आपका ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप यहीं पे नीचे हम चला देते हैं और ख़त्म हो जाएगा। 27 और 16 ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 43 और माइनस 24 रूट 3 डिवाइड में 11 और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट करना था। फिफ्थ पार्ट आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर आपको फोकस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 5 मल्टीप्लाई को 60 की वैल्यू का जो स्क्वायर होगा कर देना, फिर उसके बाद सेकेंड 30 की वैल्यू का जो स्क्वायर होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 स्क्वायर 10 45 वन होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लेस कर देना। और यहाँ पे तो ये कट के 1 ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बट आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वैल्यू लगा के ही करेंगे तब भी 1 ही बनेगा। तो इसलिए 5 पार्ट आप अपने आप करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही ऑप्शन वाले हैं, बट फिर भी एज ए नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कैसे इनको करना है। करना तो ऐसे ही है कि जो भी डिग्री में है उनकी वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे और जो भी क्वेश्चन में मैच करेगा ऑप्शन वो हमारा आंसर आ जाएगा। बट फिर भी आपके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो वैल्यू है, जैसे 2 है, फिर 10 है, 30, तो 10 30 की वैल्यू क्या कहता है, 2 10 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व करना है, चार ऑप्शन है, कोई एक आंसर हो सकता है तो आपको ही पता है। बट हमें ये नहीं देख के चलना भी हमारा ऑप्शन में ये आंसर होना चाहिए, वो हमें कैलकुलेट कर देना, ऑटोमेटिक हमारा मैच हो जाएगा आंसर। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन की तरह इसको स्टार्ट, ना कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तरह। तो 2 10 30 की वैल्यू आपको टेबल में जाके याद रखनी है, 1 डिवाइड में रूट 3 है, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई है। और यहाँ 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 डिवाइड में रूट 3 है, बट इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लेके इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइड में रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड में फुल 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद। इसका फिर आप एलसीएम लेंगे
और ये स्टेप नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कैसे होगा, 2 डिवाइड में √3 फिर डिवाइड में, वैसे यहाँ आना चाहिए था ये, और 3 + 1 / 3, तो 2 / √3 मल्टीप्लाई ये नीचे से ऊपर चला गया और 3 × 1 = 4 हो गया, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया और √3 से √3 कैंसिल होने पे √3 बचेगा, क्योंकि 3 को क्या बोलते हैं √3 × √3 √3 होता है, इस वजह से एक √3 से जब √3 कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा, मतलब √3 रह जाएगा, तो बचा गया √3 / 2, ये आपका आंसर निकला है। अब आपको ये देखना कि 4 ऑप्शन है उसमें से किसकी वैल्यू √3 / 2 होती है, sin 60 है जो, उसकी वैल्यू √3 / 2 होती है, इसलिए के साथ ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। इस तरह आपको ये करना था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड में भी ऐसे ही है, 1 − 10² 45 डिग्री जो आपका है यहाँ पे वैल्यू, उसकी वैल्यू 45 डिग्री टेबल में जाके देख लेंगे और फिर आप इसको सोल्ड करेंगे। तो मैंने नोट करने में ये आपकी एक मिनट लगाई है, नोट कर लिया है मैंने, करना कैसे है, 1 − 10² की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सॉरी, स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वेयर करेंगे तो 1 में से 1 लेस करेंगे तो आपका 0 / 2 आ गया। जब भी 0 ऊपर होगा तो आपका आंसर 0 ही होगा। अब आपको ये देखना है कि 0 किस ऑप्शन का आंसर हो सकता है, 1090 को बोलते हैं 0 या ये है या डी, देखो 0 ही दे रखा है बस, हमें कुछ भी नहीं देखना अब, तो इसी के साथ हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, देखना है भाई ये किस कंडीशन में इक्वल कंडीशन बनाता है। तो यहाँ पे जैसे हम 0 रखेंगे 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री रखेंगे, तो 0 डिग्री को 2 से करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 ही होगी, और 2 × 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 डिग्री, तो इसलिए सारा 0 = 0, मतलब कि 0 डिग्री रखने पर ये ट्रू होता है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो जैसे फर्स्ट पार्ट था सेम टू सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो सेम कैलकुलेशन है, आप जैसे यहाँ चल रहे थे स्टेप वैसे स्टेप चलाना और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इफ़ देन 10a + b = √3 एंड 10a − b = 1/√3, ये दो हमारे पास इक्वेशन है और कहता है a प्लस b है जो 90 और 0 के बिटवीन वैल्यू है और a बड़ा होना चाहिए b से, ये भी उसने खुद बता दिया a > b। अब फाइंड a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो ये मैंने नोट कर लिया है, देखो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको ऐसा नोट कर देंगे a + b = √3, √3 जाके टेबल में देखिएगा 10 60 डिग्री होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसकी सेकंड इक्वेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री। ये करने के बाद फिर 10 से ये इधर से इधर कैंसिल होगा, ना कि ऐसे से, ध्यान रखना ये कई बच्चे इसको ऐसे से कैंसिल कर देते हैं बट समझ से नहीं करते, ध्यान से करना है, इक्वल के दो कैंसिल होता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई है और a − b = 30 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है। अब उसके बाद एलिमिनेशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजगुणन विधि, कोई सी भी मेथड लगा के इसको करेंगे, तो मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, साइन चेंज करके या ना करें आपकी इच्छा अनुसार है, तो मैंने कर दिया साइन चेंज, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, a 1b 1b होता है, 2b = 60 में 30 लेस करेंगे तो 30 बचेगा और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद b की वैल्यू आ गई 30 / 2 मीन्स 15 डिग्री। अब आप लिखेंगे कि पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन जो आपको इसमें से अच्छी लग रही है 1, ठीक है, वी ऑब्टेन या गेट। तो फर्स्ट में आप a + b आपका 15 आया है, तो 15 डिग्री = 60 डिग्री, और ये प्लस का 15 डिग्री इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 60 − 15 हो गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 45 डिग्री है और बी की वैल्यू 15 डिग्री है, ये आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 करना था, और क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है वो आपको चेक करेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 आपकी कंप्लीट होती है, अच्छे से प्रैक्टिस करें।
ठीक है, थैंक यू।